तो आप सब कुछ वार और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड के सभी हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। अगले कुछ दिनों में फिर सताएगी उमस भरी गर्मी। चलिए देख लेते हैं क्या है वो खबर। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में अब मानसून ने दस्तक दे दी है। सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रांची के अलावा राज्य भर में पिछले दिन यानी कि मंगलवार 27 जून को अच्छी बारिश हुई है। हालांकि कई जगहों पर काफी भारी बारिश भी हुई है। कुछ हिस्सों में यहां पर बारिश असामान्य भी हुई है। राजधानी रांची में बारिश की बात की जाए तो यहाँ 74.6 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसके कारण यहाँ के तापमान में 2.4 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं तापमान की बात करें तो रांची में 25.6 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर तापमान दर्ज की गई है। आगे यहाँ पर बात करें, मौसम विभाग ने बताया कि राज्य भर में बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर के कारण पिछले 3 दिनों में करीब 34.6 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में 24 जून तक 72% बारिश की कमी में से 16% की भरपाई हो चुकी है, जबकि अब बारिश में 56% की कमी आई है। राज्य भर में पिछले 1 से 27 जून तक के बारिश की अगर बात करें तो कुल 71.2 मिलीमीटर की बारिश यहां पर दर्ज कराई गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इन दिनों में 160.2 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए थी। बता दें कि राज्य में सबसे अधिक बारिश 181 मिलीमीटर सिमडेगा में हुई है। वहीं सबसे कम बारिश मात्र 15 मिलीमीटर गोड्डा में यहां पर दर्ज की गई है। 29 जून के बाद फिर से सताएगी गर्मी। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने झारखंड में 28 जून को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं आज सुबह से ही राजधानी रांची में बारिश हो रही है। राजधानी समेत अन्य कई हिस्सों में मौसम विभाग ने 29 जून को भी बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम कमजोर होने लगेगा। अब इसके बाद राज्य में एक बार फिर से उमस वाली गर्मी लोगों को सताने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच राज्य के तापमान में 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए बुआई के लिए हुई सटीक बारिश। इधर राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश को लेकर कृषि विशेषज्ञ ने कहा है कि अभी तक हुई बारिश खेतीबाड़ी करने वाले किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि लगातार हुई बारिश से अब तक खेतों में पानी भी आ गया है और इससे किसानों को बुआई में भी काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। जोहार।